वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ डाउट लेने के लिए हूँ। मैं और एक और क्वेश्चन कराना था मैक्सिमम प्रॉफिट वाला। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, देखिए। कर देंगे एक, बस कॉन्सेप्ट कराना, इसके बाद न्यू कर देंगे। ये हो गया नहीं, आंसर आपके किताब में होगा ना। सेवन पॉइंट सेवन डाउट है। दो मिनट दीजिए मुझे।
फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ वॉइस क्लियर है, बताइए। कौन सा फिफ्थ इसमें है कोई? पीछे बच्चे कह रहे हैं सर फिफ्थ का आंसर मैच नहीं हो रहा, कर देते हैं मैच। ये किसका नहीं हो रहा, एक का दोनों का? मैं पहले वो वाला करवा दूं, मैक्सिमम रीजनेबल जो प्रॉफिट वाला था कुछ काइंड ऑफ। करा दे वो। चलिए पहले मैं अपने मन की क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर ये भी कर लेंगे, ठीक है? चलिए सर। हाँ आज का, आज तो आपको प्रैक्टिस ही करना है ना? हाँ तो ब्रांच के कितने कर लिए आपने, कितने? तो आप ब्रांच के तो करो एक बार, पहले ब्रांच ही करोगे अभी तो। डिपार्टमेंट के लिए फिर सुबह नहीं आए? कब तक रहेगी क्लासेस ये हफ्ता? फिर वही है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको तो थोड़ा। तो अभी पहले ब्रांच करो, फिर देखता हूँ। डिपार्टमेंट का 21 क्वेश्चन था, वो मैंने करा दिया था, मैं बता देता हूँ। एक बार सभी बच्चों को ना एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक काम, पता नहीं क्या किसी की फ्लाइट रह गई है, उसी को अरेंज करने में टाइम लग रहा है। फ्लाइट निकल गई उनकी तो वो दे बोल रहे हैं, देख के बता दो। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करूंगा फटाफट से, देखते हैं कैसे आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है? सिर्फ पांच आपको टाइम मिलेगा, सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट वन का निकाल दो बस, जब वन का निकल गया तो टू का भी हो जाएगा। आपके सामने एक सवाल है, अगर विजुअल नहीं है तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस वगैरह क्लियर है ना? मैंने जो बताया समझ में आ गया, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इस पेबल लिया गया है, क्या कह रहे हैं इसमें पेबल? हाँ बुक में नहीं ले रखा, एक्सपेंस ड्यू भी नहीं लिया, और क्या नहीं लिया? आप अपना एक आंसर निकाल दो, मैं फटाफट कर दूंगा, मैच कर लेना, बात सीधी खत्म। हो सकता है एरर हो गया हो, ऐसा नहीं है कि बुक बिल्कुल 100% एरर फ्री है, उसमें एरर है। मटेरियल एट साइड की किस साइड दिखाएंगे? बच्चे कह रहे सर इसमें अनयूज मटेरियल, अनयूज है यानी क्लोजिंग। कहाँ है अनयूज? अनयूज अनयूज अनयूज, ये क्लोजिंग है तो बाय साइड में। दोनों आउटस्टैंडिंग लेना है, दोनों आउटस्टैंडिंग आपने लेना है।
मैं ही कर देता हूँ। आप एक बार लास्ट क्लास में जो ब्रांच किया था, डिपार्टमेंटल किया था, वो खत्म करके वो करके दिखाओ। क्वेश्चन भी कराया था, कहाँ फॉर्मेट तो कराया ही नहीं डिपार्टमेंटल का मैंने। अब दिखा दो कहाँ नोट किया है। चलिए सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट वन कर रहा हूं सिर्फ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कोई रोल नहीं है, मटेरियल यहां आ जाएगा। सर मटेरियल कितने का आ जाएगा फटाफट बताते जाएंगे। वेजेस यहां आ जाएगा 11 लाख, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड हो जाएगा 36,000, इसके बाद अदर एक्सपेंस आ जाएगा। अदर एक्सपेंस कितने का है 28,000, अदर एक्सपेंस ड्यू भी आ जाएगा 4,000 रुपये, वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा आपका WIP में, वर्क सर्टिफाइड आ गया 16 लाख, इसके बाद वर्क कंप्लीट बट नॉट सर्टिफाइड ये आ गया 80,000, ये आ जाएगा आपका 16,80,000। इसके बाद प्लांट टू बी डेप्रिशिएट 10%, प्लांट था कितने का 160 का, तो टू साइड में प्लांट भी आ जाएगा 160 का। बाय साइड में क्लोजिंग की बात करें तो प्लांट का बच जाएगा कितने 10% डेप्रिशिएशन माइनस 16 तो 144, और मटेरियल आ जाएगा 40,000, तो 188 हो गया। ठीक है बस 40, हाँ 84 हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं। तो जिन्होंने ये आंसर निकाला है उनका ठीक है, तो उनका कोई डाउट नहीं है फिर, अगर जिनका ये आंसर आ गया तो वो बुक वालों की गलती है। ये कितना है सरप्लस, टोटल क्या आ गया, ये ज्यादा है तो लॉस आ गया, तो मजे की बात है। बाय लॉस तो बस कुछ करना ही नहीं है सर अब, ठीक है खत्म। दूसरा भी होगा, समझ में आया आपको 68 का लॉस, जिसका ये आ गया ना वो ठीक है, बुक के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सेकंड का भी हाँ, तो बट ऑब्वियस है ना, आउटस्टैंडिंग यहां भी गलती करी होगी, ठीक है ना, तो दोनों में चलिए एक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का देखते हैं।